नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के MLN कॉलेज के समीप टिम्ट कॉलेज यानी कि तिलक राज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की, जहां कोरोना के बाद एक बार फिर पढ़ाई जो है बदल गई थी, सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया था, उसके बाद जो है समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। वहीं एक बार जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, लेकिन उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप लोग ऑफलाइन एग्जाम ले लीजिए। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है तिलक राज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बाहर, जहां पर एक बात ये सामने आ रही है कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो फोकस कर रही है ऑफलाइन एग्जामिनेशन पर। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इंस्टीट्यूट में बातचीत करने के लिए अंदर गए हैं, लेकिन कुछ समाधान जो है मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये वही फ्यूचर है जो कि कल को आगे जाकर इंडस्ट्रीज में बैठेगा, लेकिन आज उनको भी अपने हकों के लिए जमीनों पर बैठना पड़ रहा है। आप ये सारी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तिलक राज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पर बच्चे जो है आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? तमन्ना। क्या कुछ है जो आप प्रोटेस्ट के लिए आज तिलक राज इंस्टीट्यूट के बाहर जो है अपना प्रोटेस्ट करें? जी मैम, और इंस्टीट्यूट के पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं या ऑनलाइन? मैम क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अंदर गए हैं, वो कह रहे हैं कुछ बातें वो मान रहे हैं, कुछ बातें नहीं मान रहे, क्या कुछ कहना है? 40 मार्क्स कर दिए, उन्होंने बोले हम क्या कुछ रीजन है जो कि वो बार बार आपको कह रहे हैं कि आप जो है ऑफलाइन पेपर्स दीजिए ऑनलाइन? तो बच्चों का साफ कहना है कि वो बच्चे जो चाहते हैं, उनका ये कहना है कि उनको जो है ऑफलाइन पेपर नहीं देने हैं, उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने हैं। आप लोग जहां तक मेरे कैमरे की नजर पहुंचती है वहां तक आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप ये सीधी और एक लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तिलक राज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बाहर की तस्वीरें हैं। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? प्रिंस। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए जो है आज सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं? हेलो जी 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 जितनी भी यूनिवर्सिटीज है हमारे यमुनानगर में सब ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं। CUPU जितने भी हैं बाहर के भी सब ऑनलाइन ले रहे हैं, बट ये अकेले हैं जो कह रहे हैं हम ऑफलाइन पेपर लेंगे। जी और सिर्फ दो दिन तो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफलाइन ही ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ये ऑफलाइन के लिए कह रहे हैं। जी तो क्या कुछ है अभी, कुछ बातचीत रिप्रेजेंटेटिव गए हैं? हमारे फोर मेंबर गए थे बात करने, बट हमारी बात नहीं सुन रहे, और हमने पहले भी आज भी एग्जाम था, आज एग्जाम था बट एग्जाम में नहीं गया। और इससे पहले जब डेट शीट आई थी जिस दिन, दो दिन पहले, तब हमने बात करी थी टीचर से जी। हमने ग्रुप्स पे अपने लिखना शुरू करा कि हमारे ये कोई प्रॉब्लम है, बट किसी ने हमें सुने ही नहीं। हमारे ग्रुप्स पे प्राइवेसी लगा दी गई कि सिर्फ टीचर्स मैसेज कर सकते हैं, एडमिन मैसेज कर सकता है सर। हमारी ये प्राइवेसी लगा दी, हमारी बात नहीं है जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्य है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लक्ष्य आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी की पूरी क्लासेस इस सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन हुई थी, और मतलब हमारी जैन की पूरी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, और उससे पहले हमारी टोटली ब्लेंडेड बोर्ड में गई है, जिसमें बच्चा सिर्फ 3 दिन कॉलेज आ रहा था और 3 दिन घर बैठ के क्लासेस लगा रहा था जी। हमें कॉन्सेप्ट्स भी नहीं क्लियर, अल्टरनेटिव क्लासेस हुई थी आपकी, कॉन्सेप्ट्स भी नहीं क्लियर है, हमारे कॉन्सेप्ट्स आगे पीछे चल रहे थे, हमारे टेस्ट आगे पीछे हो रहे थे, और हमें कुछ भी समझ नहीं आया इतना प्रॉपर। और इसके बाद हम 80 मार्क्स का पेपर 2 दिन के नोटिस में नहीं। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं आप, अगर स्कूल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अथॉरिटी
अथॉरिटी आपकी बातचीत नहीं मानता है तो क्या कुछ है? सर प्रोटेस्ट करने के लिए जी, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने जी, पर यहीं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन कालरा। जतिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके? हम देखो, हम तो यूथ, हमें कुछ भी होता है हम तो हैंडल कर लेंगे जी। हमने जाना है, घर भी जाना है जी, हमारे पेरेंट्स भी जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर सारे अगर ये सारे ऑफलाइन लेने को वो करेंगे, हमने क्या, हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई जी। सारा जनवरी इन्होंने ऑनलाइन निकाला है, अब ये एकदम से दो दिन पहले डेटशीट निकाल के कह रहे हैं कि आप पेपर ऑफलाइन देना हो तो हम सर कैसे? एकदम से इनका जो है दो दिन पहले डेटशीट आई है, ये भी नहीं कि बता रहे हैं कि कब पेपर लेंगे, कब होंगे, दो दिन पहले डेटशीट निकाल के कह रहे हैं कि आपके ऑफलाइन पेपर, बीच में से एक दिन फेस्टिवल का, अब एक दिन हमारे पास बसंत पंचमी का, तो बच्चे कैसे तैयारी करें, और एक दिन संडे का, मंडे को आज पेपर है और बच्चे पेपर नहीं देने गए। यही सिखाने का प्रयास कर रहे थे किस तरीके से जो बच्चे हैं अपने मांगों को लेकर जो है यहाँ पर स्कूल प्रशासन के गेट के सामने जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनको जो है ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं, लेकिन बार बार जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इनको कह रही है कि आप लोग ऑफलाइन एग्जाम दे दीजिए। इन बच्चों का ये भी कहना है कि जब तक इनकी कोई मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए, मैनेजमेंट कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए पाएंगे। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो तमाम बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करा, उसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि किस तरीके से वो जो है सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही देंगे, क्योंकि डेटशीट भी है दो तीन दिन पहले डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज कर दी गई है, और साथ ही साथ काफी उनके जो डाउट्स हैं वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तिलक राज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो है युवा इकट्ठे हो चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तिलक राज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर जो तमाम छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उस सैम को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे आईबीएन 24 के साथ। नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।